इन द एसिड्स बेस एंड सॉल्ट चैप्टर्स वी हैव स्टडी दैट इज व्हाट आर द एसिड्स. ओके, व्हाट आर द एसिड्स वी हैव डिस्कस, दैट इज व्हाट आर द एसिड्स. क्यूमुलेटिव टेस्ट डिस्कशंस तो हो चुका बेटा, मे भी नहीं हुआ क्या? हाँ, नहीं सर, नहीं हुआ है। एक ओके, सो क्यूमुलेटिव टेस्ट डिस्कशन कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम. मे बी एक क्लास में हो चुका यस सर, एक क्लास में हो चुका है मेरे साथ। है. ओके, सो लेट्स यस स्टार्ट. सर, वी हैव डन इट। मैं यहाँ पर इंपोर्ट्स कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ, एंड देन अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डाउट्स हैं किसी भी क्वेश्चंस में, देन मुझे बता सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. सर, आप क्यूमुलेटिव टेस्ट का डिस्कशन करने वाले हो? हाँ, क्यूमुलेटिव टेस्ट का डिस्कशन मैं कर लेता हूँ. जो भी 5-6 क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहाँ पर यस सर। देखेंगे. ओके, आई थिंक यही पेपर था एवरीवन. यस सर। ओके, सो फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 31, आई हैव गिवन द क्वेश्चन दैट क्वेश्चंस एंड रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है वो वासु सर डिस्कस कर चुके होंगे, और नहीं किए होंगे तो वो डिस्कस करेंगे. ओके, सो हर्षदा काटे एंड एंड अदर्स फ्रॉम ए 2020 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. बेटा 5 to 10 मिनट्स वेट करो, मैं इन लोगों का भी डिस्कस कर देता हूँ, देन वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑन द एसिड बेस एंड सॉल्ट. ओके, सो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 31, लिसन केयरफुली, रीड द क्वेश्चन. दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शन. कौन से रिएक्शन है जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शन में इन्वॉल्व है? एनीबॉडी टेल मी. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शंस, देखो इन ऑप्शंस ए देर इज ऑक्सीजन एटम्स एंड बी हेयर इज ऑल्सो ऑक्सीजन एटम्स. ओके, सो ऑप्शंस ए इज इनकरेक्ट कम्प्लीटली. ओके, सो इफ यू सी ऑप्शंस बी हेयर, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या बोलती है? फॉर्म प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी कम्प्लीटली कम्बाइंड एंड फॉर्म ए बी टाइप प्रोडक्ट. यही होता है ना कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शंस? यस सर। बट यहाँ तो ऐसा चीज नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एक कंप्लीट डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन कॉमन है. सिमिलरली यहाँ पर भी ऑक्सीजन कॉमन है. ओके, एंड यहाँ पर हाइड्रोजन कॉमन है, तो ये तीन ऑप्शंस नहीं हो सकते. एंड इफ यू सी द ऑप्शंस बी, तो यहाँ पर बी ऑप्शंस क्लियर कट सही हो जाएगा. ओके, रीजंस यहाँ पर है बिकॉज रिएक्शंस इन्वॉल्व द कंपाउंड्स, बिकॉज ऑल रिएक्शंस इन्वॉल्व दीज कंपाउंड्स, दैट इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. These are elements. क्लियर है? सॉरी, एलिमेंट्स. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वी हैव कंप्लीटेड द रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, एवरी टाइप ऑफ रिएक्शन हमने कंप्लीट किया. एंड द टेल मी विच टाइप ऑफ रिएक्शन आर देयर. और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो कौन से कंपाउंड में रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? कैन यू टेल मी देयर आर टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ मुझे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन.
दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी. नेक्स्ट क्या बेटा टेल मी नेक्स्ट. दैट इज इफ आई से दैट द कंपाउंड लाइक ए वी दैट फॉर्म ए प्लस बी द नेम ऑफ दिस रिएक्शंस. नेम बताओ. डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वेरी गुड. डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता बेटा. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. AB plus C is equal to AC plus B. वेरी गुड. AV प्लस सी इज इक्वल टू AC प्लस बी एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस AB प्लस CD दैट फॉर्म AC प्लस BD. क्लियर ना. दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके सो इन दिस कंपाउंड्स इफ यू सी दैट हेयर दैट इज ऑप्शंस बी दैट इज आवर सेकंड पार्ट. ओके सो यहाँ पर Na2SO4 है एंड यहाँ पर BaCl2 है. इस कंपाउंड में देखो यहाँ पर Na2 रिप्लेस एस Na2Cl2 से रिएक्शंस कर जाएगा देन कंप्लीटली फॉर्म करेगा Na2SO NaCl एंड देन SO4 रिएक्शंस कर जाएगा Ba से देन BaSO4 फॉर्म करेगा. क्लियर है. एंड अदर रिएक्शंस यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस नहीं है. यहाँ पर भी नहीं है एंड यहाँ पर नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस बी आर द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर. क्लियर. यस सर। ओके नाउ सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3. सॉल्व करो. यहाँ पर बेटा MnO2 है. ओके MnO2 प्लस 4HCl यहाँ पर फॉर्म करेगा दैट MnCl2 प्लस 2H2O प्लस. आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इन द रिएक्शंस. ऑक्सीडाइज होता है तो रिएक्शंस क्या बेटा जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट जिसका रिडक्शन होता है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके गॉट इट माई पॉइंट. नाउ सो इन दिस रिएक्शंस कौन सा आंसर सही होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर. यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हो एंड आप आइडिया लगा सकते हो. ओके सो इन दिस केस Mn देखो यहाँ पर मैं फिर से रिएक्शंस लिखता हूँ. MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 2H2O Cl2. ओके नाउ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O2 हेयर -2 एंड यहाँ पर आ जाएगा +4. क्लियर एवरीवन. बिकॉज एक्स प्लस 2 -2 इज इक्वल टू 0 करेंगे एक्स इज इक्वल टू 4. क्लियर ना. ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है सबको. आता है या नहीं आता है टेल. यस सर। ओके सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना. ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 2 होती है एक्सेप्ट परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड एंड फ्लोरीन ऑक्साइड. ये तीन कंडीशंस होती हैं. नंबर वन इसके लिए ए कंडीशंस मैंने लिखाया था दैट इज ए बी सी. अदर देन दिस ऑलवेज -2 होती है. सुपर ऑक्साइड में -1 होती है. सुपर ऑक्साइड में -1/2 होती है एंड फ्लोरीन में +1 और +2 होती है. अदरवाइज ऑलवेज -2 होती है. यहाँ पर कोई भी ऐसा कंडीशंस नहीं है. सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 एंड अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर Mn की आएगी +4. यहाँ पर Cl की -1 एंड यहाँ पर +1. ओके एंड यहाँ पर Cl की 0 आएगी. दिस इज +1 दिस इज -2 दिस इज -1 एंड दिस इज +2. ओके सो नाउ एवरीवन सीज दैट यहाँ से +4 से +2 में गया ऑक्सीडेशन नंबर. तो ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस या यहाँ पर क्या हुआ रिडक्शन हुआ बेटा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया MnO2.
क्लियर है बेटा, यहाँ पर करेक्ट आंसर एम आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैल्शियम कंपाउंड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस द इफ्लुसेंस इफर्वेसेंस द गैस एवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल्स आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स एंड द गैस एवॉल्व। एवरीवन टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ए ए वाई रिएक्शंस बताओ मुझे। द कैल्शियम्स कंपाउंड्स, कैल्शियम कंपाउंड सपोज एक्स है एंड दैट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एच हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एच सी एल से रिएक्शन करेगा एंड प्रोड्यूस इफरवेसेंट इफरवेसिन एंड द गैस एवॉल्व एक्सटिंग्विशेस। यहाँ पर एक गैस निकलती है दैट एवॉल्व एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल्स। ओके कैन यू गिव मी द रिएक्शंस, रिएक्शंस बताओ बेटा, रिएक्शंस बताओ। सिंपल रिएक्शंस है एवरीबॉडी। सी कैल्शियम्स कंपाउंड्स, ओके अगर नहीं आपको आइडिया है देन मैं बताता हूँ। अ कैल्शियम कंपाउंड व्हेन अ कंपाउंड्स रिएक्ट विद एलसीएल, कैल्शियम कंपाउंड जब एचसीएल से रिएक्शंस करेगा दैट इज एक्वस फॉर्म में और वी कैन से डाइल्यूट फॉर्म में। ओके देन इट फॉर्म CaCl2। अगर कोई कैल्शियम का कंपाउंड है, इफ यू से दैट अगर कैल्शियम का कोई कंपाउंड है, लेट्स चेंज द कलर, कंपाउंड एक्स रिएक्ट विथ एच सी एल, ओके दैट फॉर्म्स ऑलवेज CaCl2 फॉर्म करेगा प्लस H2O फॉर्म करेगा। ओके नाउ यहाँ पर H2O फॉर्म कर रहा है एंड यहाँ पर, तो दैट मीन्स यहाँ पर एक कंपाउंड होगा CaCO3 एंड इसके साथ अकॉर्डिंग टू CO2 भी फॉर्म करेगा। ओके एंड दैट CO2 जो उसने बोला दैट CO2 एक्सटिंग्विशेस, ये आपकी CO2 है, ये गैस इवॉल्व होती है। सो इज द एफर जो एफरवेसेंस विच शोज द एवोल्यूशन ऑफ गैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एफरवेसेंस मीन्स क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड शो करती है जो ये नेचर से आपका, ये मैंने रेड कलर से लिखा दैट कार्बन डाइऑक्साइड शो करती है। ओके सो वी कैन आइडेंटिफाई दैट कि यहाँ पर CO2 निकलती है तो एक कंपाउंड हो जाएगा CaCO3। सो अकॉर्डिंग टू द आंसर ऑप्शन द CaCO3 कंपाउंड होगा एंड CO2 ये गैस होगी। क्लियर है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ ह्यूमिड डे द गैस इज यूजुअली पास्ड थ्रू द गार्ड्स गार्ड ट्यूब्स कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड्स। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड्स टेकन इन द गार्ड ट्यूब्स इज टू, यहाँ पर क्या रोल्स होता है। व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड्स गैस इज प्रिपेयर्ड, टेल मी बेटा, किसी को समझ में आया क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। एनीबडी देखो, जनरली क्या होता है व्हेन ड्यूरिंग द ह्यूमिड डे, ह्यूमिड डे क्या होता है, एक ह्यूमिडिटी होता है जब आपको बहुत ज्यादा गर्मी फील होती है और आपका स्वेटिंग स्वेटिंग है, जो स्वेटनेस वाली फील होने लगती है। ओके व्हेन अ ह्यूमिड डे जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्रिपेयर्ड द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गाइड ट्यूब्स, जो गाइड ट्यूब्स है उससे पास करेंगे दैट कंटेन अ कैल्शियम क्लोराइड्स। तो जो कैल्शियम क्लोराइड्स होता है, द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड्स इज क्यों लिया जाता है, द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज टू टेक इन बाई द एब्जॉर्ब जो एनहाइड्रस CaCl2 होता है उसको एब्जॉर्ब, दैट एनहाइड्रस CaCO3 एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, जो उस ट्यूब के अंदर जो मॉइस्चर बन जाता है तो उसको एनहाइड्रस CaCl2 एब्जॉर्ब कर लेता है।
समझ में आया बेटा? टू अब्जॉर्बिंग इधर पे होगा, द एब्जॉर्ब द एवॉल्व गैस, ओके, एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, मॉइस्चर मॉइस्चर। सो द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, समझ में आया आप लोगों को? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी, वेरी गुड, ओके। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द गिवन एसिड्स इज यूज टू ट्रीटमेंट्स ऑफ बोन मैरो स्कर्वी डिसीज। बोन मैरो जो स्कर्वी डिसीज है उसको ट्रीटमेंट के लिए कौन सा एसिड यूज करते हैं? टेल मी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स यूज एज अ ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो, ओके। सो दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। यहाँ पर एस्कर्विक एसिड होता है, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा एस्कर्विक, जो विटामिन डी की डिफिशियंसी से, विटामिन डी की डिफिशियंसी से एक डिसीज हो जाती है, दैट इज एस्कर्विक डिसीज बोलते हैं, ओके। एंड उसके लिए एस्कर्विक एसिड होता है जो हम यूजफुल होता है, ओके। क्लियर है एवरीवन? नाउ विच नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच वन ऑफ सॉरी नो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एच सी एल गैस द ह्यूमिड डे, दिस इज द सेम क्वेश्चन, फिर से रिपीट हो गया। एनीबडी नीड्स द आंसर ऑफ दैट? नो सर। टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिविन थ्री अननोन सोल्यूशन ऑफ पी एच वैल्यू सिक्स, पीएच 6 हो गया, 8 हो गया एंड 9.5 हो गया, ओके। रिस्पेक्ट विच सॉल्यूशन इज कंटेन मोस्ट ओएच आयन, ओके। सो पीएच का जनरली आई हैव टॉट यू दैट पीएच होता है, दैट पीएच इफ मैंने बोला पीएच आपका 5 है, दैट मींस ये 10 की पावर माइनस 5 एच आयन है। एच आय अगर आपको निकालना है फ्रॉम द पी एच, दैट मीन्स 10 की पावर माइनस 5। इफ आई से पी एच आपका कुछ भी है, पी एच आपका मैन सपोज दैट पी एच 2 है, दैट मीन्स एच आय कंसेंट्रेशन दैट इज 10 की पावर माइनस 2। क्लियर है बेटा? ओके। एंड एच आय कंसेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 2, इफ आई से दैट मुझे ओ एच आय कंसेंट्रेशन निकालना है, तो फ्रॉम हेयर ओएच आयन कंसेंट्रेशन निकालने के लिए ऑलरेडी ऑल ऑफ यू नो दैट एच आयन कंसेंट्रेशन इनटू ओएच आयन कंसेंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 14 होता है, ओएच नेगेटिव इज इक्वल टू 14 होता है, ओके। और अब इफ यू डोंट नो दिस फॉर्मूला, दैट मीन्स एवरीबडी यू नो दैट पी एच और पी ओ एच इज इक्वल टू 14 होता है, that pH is the HIN concentrations, POH is the OHIN concentrations, okay? समझ में आया? So here 10 की पावर माइनस 14 हो जाएगा। So if I say that यहाँ पर pH इतना है, then POH कितना आ जाएगा बेटा? 14 से माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, एंड यहाँ से 14 से माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे 14 माइनस 9.5 कितना आ रहा? 3.5 या 4.5? 4.5. Now, if just like we have हमने अभी H ions निकाले, similarly यहाँ से हम OH ions निकाल सकते हैं. We have got it just now POH value. Okay, POH value is 8, 6 और 9.5. That means यहाँ पर OH ion concentration आ जाएगा 10 की पावर माइनस 8, यहाँ पर 10 की पावर माइनस 6, 6 यहाँ पर 10 की पावर माइनस 9.5. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ ऑलरेडी आप लोग जान गए हो अभी कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में, सॉरी 9.5 नहीं है, 4.5 आ जाएगा। क्लियर? सो इन विच ऑफ द सॉल्यूशंस द आयंस कंसेंट्रेशन इज लेस, विच सॉल्यूशंस विल कंटेन मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम ओएच आयन कंसेंट्रेशन। तो मैक्सिमम ओएच आयन कंसेंट्रेशन किस में? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में? थर्ड में। क्लियर एवरीवन? समझ गया कॉन्सेप्ट? अगर आपको एच आयंस दिया है, आप ओ एच आयंस निकाल सकते हो,
पीएच दिया है, पीएच से आप ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, पीएच से आप पीओएच भी निकाल सकते हो। क्लियर बेटा? अगर कोई सा भी इन फोर कंडीशंस में आपको गिवन है, दैट मींस अदर थ्री आप निकाल सकते हो, कोई भी वन से आप अदर थ्री आप निकाल सकते हो। क्लियर है बेटा एवरीवन? इफ एनीबडी हैव एनी डाउट, अभी मैं रिपीट कर सकता हूँ, पूछ लो मेरे से बेटा, अभी रिपीट करूं? नो सर। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, एक्वस पोटेशियम नाइट्रेट्स, ओके एक्वस पोटेशियम, ओके नाइट्रेट्स, एंड अ येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड व्हाइल द परफॉर्मिंग द एक्टिविटी, इफ द लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट्स। नाउ आई हैव गिवन यू 1 minute to solve this question. अभी आपको फिर से एक चांस दे रहा हूं उसको सॉल्व करने के लिए, आप लोग सॉल्व करो मुझे। Anybody has tried? किसी ने ट्राई किया क्या? ओके, देखो बेटा क्वेश्चंस देखो, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट एंड एक्वस पोटेशियम, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, aqueous potassium iodide, aqueous potassium and aqueous lead nitrates. Okay, यहाँ पर थोड़ा सा repeat हो गया, aqueous potassium iodide, aqueous potassium, ये point यहाँ पर नहीं है, इसको थोड़ा सा repeat करो, and aqueous lead nitrates. Okay, so here the reactions follows as potassium iodide, that means Ki. Okay, that form is aqueous and aqueous PVNO3, that means PVNO3 negative hold twice, that is also aqueous. जब ये reactions करते हैं, then a yellow precipitate of lead iodide is formed. Yellow precipitate, that means PVI2 precipitate. Precipitate means solid होगा कोई, that forms and plus एक another compound form होगा, that's called KNO3. Okay. Now, while performing the activity, if the lead nitrate is not available, उसने बोला जब ये reactions हो रही है, at that time lead nitrate is not available. Okay, so which of the following can be used in place of lead nitrates? Okay, तो कौन सा compound से जो use कर सकते हैं in place of this? देखो बेटा, हमको basically only and only means है सिर्फ iodide से and यहाँ पर पीवी से, यहाँ पर आयोडाइड से और पीवी से मिलते हैं, बिकॉज हमको ये बनाना कंपाउंड, तो ये कंपलसरी है फॉर्म करना है. ओके, एंड ये कंपाउंड अगर खत्म हो जा रहा है, दैट मीन्स कौन सा कंपाउंड से जो बना सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट तो हो नहीं सकता. वाई? अमोनियम नाइट्रेट तो हो नहीं सकता बिकॉज इसमें पीवी नहीं है. ओके, एंड पोटेशियम सल्फेट भी नहीं हो सकता, पोटेशियम सल्फेट भी नहीं हो सकता बिकॉज इसमें भी पीवी नहीं है, इसमें भी पीवी नहीं है. लेड एसीटेट एंड लेड सल्फेट, नाउ यहाँ पर लेड एसीटेट और लेड सल्फेट दो कंपाउंड्स आ गए हैं. ओके, एंड लेड सल्फेट की जो बात करूं मैं, लेड सल्फेट है, दैट लेड सल्फेट इन द इफ पीवी आयंस आर कंबाइंड विद आयोडाइड आयंस, जो लेड सल्फेट है, लेड सल्फेट इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल होगा होगा. ओके, सो इनसॉल्युबल होने के कारण से बेटा, if the lead sulfate used in place of lead nitrates, no precipitations of lead iodide will be formed because the lead sulfate being insoluble in water, lead sulfate water mein insoluble hai, isliye pv ions to dega hi nahi. Samajh gaye? Usne bola ki jo lead sulfate hai
दैट इज PbSO4 है, इसका एक्वस फॉर्म अगर लेंगे हम, तो एक्वस फॉर्म अगर लेंगे तो ये इसमें पीवी पॉजिटिव तो फॉर्म प्रोड्यूस होगा ही नहीं, जब पीवी पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा नहीं तो यहाँ से जो आयोडाइड आयन्स निकलने वाले हैं ये इस पीवी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेंगे, दैट मीन्स पीवी और पीवी डबल पॉजिटिव एंड आई डबल आई नेगेटिव, ये दोनों आयन्स प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे इस सॉल्यूशंस में, तो ये रिएक्शन ही नहीं कर पाएंगे, NPbO2 फॉर्म नहीं हो पाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर जो कंप्लीट आंसर हो जाएगा सी, बाय द यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इज दैट हमने अदर थ्री एलिमेंट्स, अदर थ्री ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, ऑप्शंस वन नहीं होगा, थ्री नहीं होगा, फोर नहीं होगा। ओके, नाउ इफ आई से दैट इन अदर वे अराउंड, दैट इज जो लेड एसीटेट है, लेड एसीटेट का फॉर्मूला इज दैट PbCH3COO होल ट्वाइस, द लेड एसीटेट, हालांकि ये क्या एक्वस सॉल्यूशंस में ये थोड़ा सा डिसोसिएट हो जाएगा एंड यहाँ पर PB डबल पॉजिटिव आयंस बन जाएगा। क्लियर बेटा? सो दिस इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मिंग द PbI2। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ अभी ये ऑप्शंस क्लियर हुआ, नाउ अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं द लेक्चर्स। ओके, सो आई विल गिव यू सम आंसर्स, क्वेश्चंस गिवन है आपको उसका आंसर्स करना है। क्लियर बेटा ऑल ऑफ यू? नाउ व्हाई डू HCl एंड HNO3 एक्सेट्रा शो द एसिडिक कैरेक्टर्स इन द एक्वस सॉल्यूशन? उसने बोला व्हाई डू HCl HNO3 एंड एक्सेट्रा जो भी अदर एसिड्स होते हैं शो करते हैं एसिडिक कैरेक्टर्स इन एक्वस सॉल्यूशंस, व्हाइल द सॉल्यूशंस ऑफ कंपाउंड्स लाइक एल्कोहल्स 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 एंड ग्लूकोज डू नॉट शो द एसिडिक कैरेक्टर्स। एनीबडी टेल मी द एग्जाम्पल रीजंस बिहाइंड दैट। देखो एवरीवन लिसन केयरफुली, द रीजन इज दैट व्हेन HCl और HNO3 और एनी अदर ऑफ एसिड्स मिक्स्ड विद द वाटर, जब HCl और एनी अदर ऑफ एसिड्स इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो क्या फॉर्म करता है बेटा? ऑल ऑफ यू नो दैट एच आयंस प्लस Cl नेगेटिव फॉर्म करेगा। ओके, एंड दैट एच आयंस रिएक्शंस कर जाएंगे विच H2O से, एंड दैट H2O फॉर्म करेगा H3O नेगेटिव्स। द नेम ऑफ दैट कंपाउंड्स टेल मी बेटा, द नेम ऑफ दैट कंपाउंड्स नेम इज हाइड्रोनियम आयंस। हाइड्रोनियम आयंस। ओके, सो जब ये रिएक्शंस कर जाएगा एंड एच पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करेगा। ओके, दैट एच पॉजिटिव्स एंड हाइड्रोजनियम आयंस शोज द एसिडिक कैरेक्टर्स। मैंने बोला जो ये एच पॉजिटिव आयंस हैं और दिस आयंस शोज एसिडिक कैरेक्टर्स। ओके, व्हाइल व्हेन एल्कोहल्स व्हेन एल्कोहल एंड ग्लूकोज ग्लूकोज आर मिक्स्ड विथ वाटर, जब इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे, मिक्स्ड विथ वाटर, दे डू नॉट डिसोसिएट, दे डू नॉट डिजॉल्व टू फॉर्म आयंस, हेंस दे डिज नॉट शो द एसिडिक कैरेक्टर्स, दे डू नॉट डिजॉल्व टू फॉर्म आयंस। आयंस ओके, हेंस डू नॉट सोस एसिडिक करेक्टर्स। क्लियर है? इज एवरीवन ओके? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डज एन इक्वस सॉल्यूशंस ऑफ
एन एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने क्लासरूम में बताया इक्वस किसी भी एसिड का इक्वस सॉल्यूशंस होता है वो एसिड एसिड क्या सॉरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, या डायरेक्टली बोल सकते हैं जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिंग क्यों होते हैं। क्लास में बताया मैंने बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोनियम आयंस, ओके, इन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एन एसिड्स दैट रिस्पॉन्सिबल, जब ये आयंस होंगे फ्रीली आयंस होंगे दे मूव कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट मीन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी हो गई। क्लियर बेटा? अगर किसी सॉल्यूशंस में आयंस होंगे नहीं, सपोज ये आपका सॉल्यूशंस है, ओके, यहाँ पर आयंस है, एच पॉजिटिव आयंस है सब जगह पे, तो ये मूव कर सकते हैं वन वे अराउंड से अनदर वे, इस तरीके से ये मूव कर सकते हैं, ओके। तो अगर मैंने यहाँ पर कंडक्टिविटी थोड़ा सा वायर लगाया, दैट इसका मतलब यहाँ पर भी करंट प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? सो वी कैन से दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव आयंस और एच थ्री ओ पॉजिटिव आयंस। क्लियर है? And the next question is that why does dry HCl is not change the color of the dry litmus paper? Next question is that why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? Tell me, beta. Because dry HCl gas has no H ions, okay, एच आयंस नहीं है, दैट्स वाई ये कलर चेंज नहीं कर सकते। देखो बेटा, सपोज आपके पास कोई गैस है, ओके, किसी भी चेम्बर में या किसी भी बीकर्स में बंद गैस में, यहाँ पर गैस है आपका, ओके, नाउ इसके पास एच आयंस है नहीं है, ओके, दैट मींस एच आयंस नहीं है तो इसका जो लिटमस पेपर से जो रिएक्शन होगा, बिकॉज एसिडिक नहीं है, एच आयंस नहीं है तो इसका मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर्स नहीं है इसमें। मैंने बोला HCl गैस और HCl एसिड में मैंने बताया था देयर इज अ मेजर डिफरेंस दैट कि HCl एसिड होता है वो एक्वस होता है, ओके, दैट मींस ये एक्वस सॉल्यूशंस में एच आयन प्रोड्यूस करता है, इसके पास कोई एच आयन नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि जो HCl गैस है वो एसिड नहीं है। अगर मेरे पास यहाँ पर लिखा कहीं पर HCl है, सो वी कैन नॉट एज्यूम कि HCl एसिड लिखा है, अनलेस एंड अंटिल वहां पर एक्वस ना लिखो, अगर एक्वस लिखा है दैट मींस वो आपका एसिड है, अगर HCl लिखा है दैट वी कैन नॉट से दैट कि ये एसिड है और गैस है। समझ गए बेटा ऑल ऑफ यू? अगर HCl के आगे एक्वस लिखा है दैट मींस वो एसिड है, अदरवाइज वो एसिड भी नहीं अज्यूम कर सकते हम, उसको गैस भी नहीं अज्यूम कर सकते जब तक वहां पर स्पेसिफाई ना किया गया हो। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट While diluting the acids, diluting an acid, why is it the recommended that acid should be added to water and not water to acid? मैंने क्या बोला इसमें, जब हम लोग dilute करते हैं किसी भी acid को, उसने क्या बोला, added to water, acid should be added to water, that means acid should be added to in water, not water to acid। समझ में आया बेटा? ये conditions क्यों होती है? Already मैंने class में explain किया इसको बहुत अच्छी तरीके से। Anybody knows that?
एनसीईआरटी के बुक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, अगर आपने बुक्स देखा हुआ तो। इनकेस अगर नहीं आता तो देखो यहाँ पर, सिंस द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एसिड इन वाटर्स, सिंस जो एसिड, इस तरीके से लिखो, सिंस प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड इन वाटर, ओके, इज एक्सोथर्मी। एक्सोथर्मिक मीन्स समझ में आता बेटा? एक्सोथर्मिक मीन्स बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करेगा, बहुत सारी हीट निकलेगी वहां से। या सपोज अगर अगर एकदम से आप डाल सकते हो उसमें वाटर, तो वहां पे मे बी इतना हीट निकलेगी कि आपका जो बीकर है जिसमें आप रिएक्शंस कर रहे हो वो फट भी सकता है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है स्मॉल लेवल का। ओके, सो दैट मींस व्हाट, जब एसिड और वाटर की रिएक्शंस होती है, डिजोल्व करते हैं, तो रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है। ओके, एंड इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट कि जब आप एसिड शुड बी एडेड टू वाटर्स, ये हम ऑलवेज रिकमेंड करते हैं, एसिड शुड बी एडेड टू वाटर्स। ओके, एंड इफ इट इज डन इन अदर वे अराउंड, जैसे हम लोग उल्टा करते हैं इसका, जस्ट अपोजिट करते हैं, देन इट इज पॉसिबल टू बिकम द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट्स। अगर हम इसका अपोजिट करते हैं, दैट इट बिकम्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट्स इफ वी अदर वे देन द पॉसिबल दैट बिकॉज ऑफ द लार्ज बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। ओके, एंड द मिक्सचर स्प्लेट आउट एंड कॉज वर्न। Places out. क्लियर है बेटा? समझ में आया? इसलिए आपको सिंपल सा रीजन देना है, अगर आपको कहीं एग्जाम में आ जाता है तो आपको सिंपल सा सिर्फ ये वर्ड है, आपको ये वर्ड लिखना है। अगर ये वर्ड आपने लिख दिया, इसमें भी आपको 70% मार्क मिल जाएंगे। अगर आपने ये वर्ड, आपने पूरा कहानी लिख दिया, आपने ये वर्ड नहीं यूज किया, देन आपको मुश्किल से वो 10% या 20% मार्क देगा। तो ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द प्रोसेस डिजोल्विंग एन एसिड इन वाटर इज द एक्सोथर्मिक। इतना लिख के आना, आपको मे बी वो पूरा मार्क्स दे दें। समझ में आया? इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स अफेक्ट व्हेन द सॉल्यूशंस इज डाइल्यूटेड। उसने बोला हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज अफेक्ट व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। एनीबॉडी, समझ में आया? हाइड्रोनियम आयन्स कंसेंट्रेशन कैसे अफेक्ट करते हैं व्हेन द सॉल्यूशंस एन एसिड इज डाइल्यूटेड। जो एच पॉजिटिव है, एच और H3O पॉजिटिव है, ये कैसे अफेक्ट करते हैं, क्या चेंजिंग होता है इसमें व्हेन एसिड को हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। ओके, सो व्हेन एसिड इज डाइल्यूटेड, व्हेन एसिड is diluted, the concentrations of, बेटा डाइल्यूट करने से कंसेंट्रेशन चेंज होगा एच आइंस का या चेंज नहीं होगा? कंसेंट्रेशंस ऑफ H3O पॉजिटिव्स और H पॉजिटिव्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस,
decreases. Okay, this means that the strength of acids decreases. क्लियर है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिक्रीज होगी. क्लियर है? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच निगेटिव अफेक्ट वेन बेस इज डिजॉल्व इन द सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. उसने बोला है, अभी जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछा उसने, OH कंसंट्रेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा व्हेन वेस्ट इज डिसॉल्व इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, सिमिलर इज दैट द अगर उस क्वेश्चन इज दैट OH आयंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा व्हेन इज बेस इज डिसॉल्व इन NaOH. ऑलरेडी बेस है, अगर NaOH में डिसॉल्व करेंगे बेटा, डिजोल्व करेंगे तो यहाँ बेस के भी ओ एच आइंस होंगे एंड इसके भी ओ एच आइंस होंगे, दैट मीन्स कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा बेटा. समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके, सो डायरेक्टली लिख सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आइंस वुड इंक्रीज. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? ना पेपर डिस्कस हो गया, क्वेश्चंस भी डिस्कस हो गए. ना आई विल गिव यू सम अनदर एग्जांपल और क्वेश्चंस दे रहा हूँ, देन जो आपको आंसर करना है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होंगे. क्लियर ऑल ऑफ यू? क्वेश्चंस नंबर वन इज दैट विच सब्सटेंस Which substance is formed on passing chlorine over slaked lime? क्वेश्चन से बताओ. ऑप्शंस, इन केस यू वांट ऑप्शंस आई विल गिव यू ऑप्शंस. ऑप्शंस नंबर ए इज दैट वॉशिंग सोडा, बी इज दैट बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी पीओपी, ऑप्शन डी ब्लीचिंग पाउडर. ओके, आपको इसका करेक्ट आंसर मुझे बताना है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने बताया, क्लास में डिस्कस किया. Which of the following is formed when chlorine pass over the slaked lime? First of all, tell me the formula of slaked lime का formula बताओ and chlorine बताओ. जब slaked lime का formula और chlorine का reactions करोगे, then इनमें से कोई एक compound form हो जाएगा. उस compound का name बताना आपको मुझे. बहुत ही simple, okay? अगर कोई कर ले, then मुझे next questions बताए उसके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इस ये है आपके लिए. जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट टू. ऑप्शंस नंबर ऑप्शंस इज
to increase tensile strength of cement. Options B is bind the particles of calcium silicates. Bind the particles of calcium silicates. Okay, beta, answer diya kisi ne? Okay, Harshita Kate, very good. Option C is decrease the rate of setting of cement options D is facilitate the formations of colloidal gel. Okay. Everyone, first question solve karo. First question is that, in the first questions, first of all, the slake lime, the formula of slake lime is CaOH ka whole twice. Okay. When this pass through slake lime, chlorine gas, जब slake lime के ऊपर से pass करते हैं, तो chlorine gas act on the slake lime and form the bleaching powder. Okay, first का A, सिद्धेश ने first का answer दिया A, not answer, A is the wrong answer बेटा. जब slake lime के ऊपर chlorine gas pass करते हैं, then it forms as a CaOCl2 plus H2O, okay, and that is called bleaching powders. Okay, clear everybody? Okay. Now next question ye hai aapke samne. Gypsum is added to cement 2. किस लिए ऐड करते हैं सीमेंट में जिप्सम या सीमेंट में जब जिप्सम ऐड करते हैं तो किस लिए ऐड करते हैं ओके एनीबॉडी टेल मी द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम्स जिप्सम का फॉर्मूला बताओ मुझे CaSO4.2H2 CaSO4.2H2O ओके बाकी लोग बेटा क्या करते हो बाकी लोग को आइडिया नहीं क्या CaSO4.2H2O एंड POP का फॉर्मूला बताओ द फॉर्मूला CaSO4.5H2O plus 3/2H2 ओके एंड इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दैट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम एंड द फॉर्मूला ऑफ पीओपी पीओपी का फॉर्मूला इज लाइक दैट CaSO4 dot half H2O okay or CaSO4 ka whole twice dot H2O that formula is POP okay so everybody knows that the calcium gypsum is hydrated calcium sulfate in chemical form jo chemical form mein hota hai gypsum that is hydrated okay 2 ka c very good
जिप्सम इज जनरली दैट जिप्सम्स इज हाइड्रेटेड. ओके, कैल्शियम सल्फेट इन केमिकल फॉर्म. समझ में आया? एंड जिप्सम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रोलिंग ऑफ रेट ऑफ हार्डनिंग ऑफ सीमेंट. ओके, रेट ऑफ हार्डनिंग ऑफ सीमेंट्स, जो रेट ऑफ हार्डनिंग ऑफ सीमेंट्स, हार्डनिंग बोल सकते हैं और सेटिंग बोल सकते हैं. यहाँ पर सेटिंग आई है, ओनली आई है. ओके, सेटिंग बोल सकते हैं और हार्डनिंग. बट सीमेंट सेट होता है या हार्ड, सब एक ही चीज है. जिप्सम इज एडेड टू कंट्रोल द सेटिंग ऑफ सीमेंट्स. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फॉर यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉल्ट सोल्यूबल इन वाटर. सोल्यूबल सॉल्ट इन वाटर. ऑप्शंस ए इज K2S, ऑप्शंस बी इज AgCl, ऑप्शन सी इज FeCl3, ऑप्शन डी इज HG2Cl2. सॉल्युबल साल्ट कौन सा है, आपको ऑप्शंस दिया गिवन है, आपको फाइंड करना है. ओके, एंड अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको दे रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चंस फाइंड करना है. वेरी सिंपल क्वेश्चन है. दैट इज जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट, सॉरी Which of the following salts possesses water crystallization? Okay. And the answer for the last question is that FeCl3. FeCl3 is the most metal chlorides are soluble. जो आंसर इज दैट मोस्ट मेटल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. जनरली जो मेटल क्लोराइड्स होते हैं वो वाटर के सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट Ag का क्लोराइड्स, Hg क्लोराइड्स एंड Pb क्लोराइड्स. ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, अदर देन सारे क्लोराइड्स सॉल्युबल होते हैं. क्लियर है? एंड द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन इज दैट ए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड्स, ऑप्शन बी इज जिप्सम, ऑप्शन सी इज अमोनियम क्लोराइड एंड ऑप्शन डी इज सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट पॉजेस द वाटर क्रिस्टलाइजेशन. कौन सा सॉल्ट होता है जिसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं? कैल्शियम जनरल ऑलरेडी सबको पता है, जिप्सम के साथ जो क्रिस्टलाइजेशन होता है ना वाटर, डॉट H2O किसके साथ होते हैं, बस ये पूछा उसने.
सिंपल सा फॉर्म वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो प्रेजेंट रहते हैं दैट इज कॉल्ड, जो डॉट एच टू लगे रहते हैं ना लास्ट में, वही पूछ रहा है इसमें, सिंपल सी बात है। तो जिप्सम्स में लगे रहते हैं ऑलरेडी आपके सिलेबस में, जिप्सम्स है, बाकी आपके सिलेबस में अभी नहीं है। सॉरी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड्स इज दैट सी ए ओ सी एल टू, ये ब्लीचिंग पाउडर है आपका। अमोनियम क्लोराइड्स आपका एन एच फोर सी एल है। सोडियम बाइकार्बोनेट आपको पता है सोडा है। क्लियर है ना एवरीवन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बेसिक नेचर। ऑप्शन ए इज सी ए ओ, ऑप्शन बी इज सी ओ टू, ऑप्शन सी इज एस ओ थ्री, ऑप्शन डी इज एच सी एल। बेसिक नेचर किसमें बेटा? देखो फ्रॉम स्टार्टिंग लास्ट एच सी एल में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, तो वी कैन नॉट से कि ये एसिड है बेस है। कैन वी से दैट दिस इज एसिड बेस? क्रिस, हर्षिता, अनुष्का, एनीबॉडी टेल मी दैट एच सी एल इज एसिड और बेस? So it is not mentioned. Very good. Okay. So we cannot say that case it is acid or base. Okay. Similarly, SO3 in if I react with SO3, यहाँ पर SO3 में H2O से reactions कराएंगे, that form H2SO4 form हो जाएगा. Okay. Similarly, यहाँ पर H2O से reactions कराएंगे, that form H 2CO3, that is also acids, that is also acids, and whenever CaO is a basic nature and oxides of already aap log jante ho, that is oxides of alkali metals, oxides of alkali metals, that is first group. And alkaline earth metal, that is second group. Okay, are basic oxides. Okay. ऑलवेज ये रूल्स याद रखना, जो भी लिखा यहाँ पर ट्रिपल स्टार बना दिया मैंने। ओके, सो यहाँ पर जो ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप का ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज बेसिक होगा। क्लियर है बेटा, समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। Why does blue green color of solution appear when copper oxide is added to dilute HCl? Tell me, why does when copper oxide is added to dilute HCl, that means the copper oxide is added to dilute HCl,
that form CuCl2 plus H2O. Okay, and that CuCl2 dissolve in water and gives CuCl2 dissolve in water and give Cu double positive ions. Because of the Cu double positive ions and Cl negative ion, that form bluish green colors. समझ में आया? Make it bluish green. Okay, clear all of you. And the next question is that which of the following process is called chloroalkali process? Which of the following process is called chloroalkali process? Options B, NaCl plus H2O. Option C is and option D is क्लियर है? नाउ टेल मी द आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चंस. दिया, हर्षिता, संस्कार, सिद्धेश, वेदांत, वेदित, विराज. क्लोरअल्कली प्रोसेस, दैट इज क्लोरअल्कली प्रोसेस. व्हेन यू सी इन द, ये कहां पर देखा होगा आपने, मैं बता रहा हूं आपको. Chloralkali generally is the industrial process. Chloralkali generally a industrial process for the electrolysis of the sodium chlorides. Thank you.
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड्स. ओके एंड द रिएक्शंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट दैट इज NaCl प्लस 2H2O दैट इज 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O. ओके सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं देता हूँ फिर आपको, देन उसके बाद आपको सॉल्व करना है एंड एज वेल एज वो आपका होमवर्क है. अगर आप लोग सॉल्व करते जाओ तो ठीक है, अदरवाइज वो आपका होमवर्क है. क्लियर है बेटा? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट pH of coffee. Options A is 2, B 3, C 4, D 5. Question number 2 is that which of the following has highest pH value? Which of the following has the highest pH value? Options A is NaOH, options B HCl, option C and options D CA OH का होल टॉइस. ओके क्लियर है? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पीएच, व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिड रेन? पीएच ऑफ एसिड रेन लेस देन 5.60, 7, greater than 7, A, B, C, D. Next, what is the color of phenolphthalein what is the color change observed? Observed when phenolphthalein is added to acidic and basic solution. ओके यहां पर कलर लिखना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस? ऑप्शन ए इज Na2CO3, ऑप्शन बी इज CH3COOH, ऑप्शन सी इज CH3COONA, सॉरी NH4,
ऑप्शन डी इज K2SO4। ओके सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क। ओके एनी डाउट्स इन एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस? एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स? नो सर। ओके सो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। जब भी हमारा लेक्चर्स होगा हम डिस्कस करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर्स कॉल्ड पीरियोडिक टेबल्स। क्लियर है ऑल ऑफ यू? पेपर भी डिस्कस हो चुका है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो चुके हैं बहुत सारे। एंड देन अगर कोई भी प्रॉब्लम्स में डाउट होता है देन मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं आप लोग। क्लियर है? नाउ वी आर स्टॉपिंग फॉर टुडे हियर। इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके सो बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय एंड बाय एवरीवन। थैंक यू सर। बाय सर। Thanks.